पर देखिए, हमने यहाँ पर कुछ ऑफसेट जो कि हमारे कोपिंग बिन में बने हुए थे उनको मैच करने के लिए हमने इसको साइड साइड से इसको टिचिंग किया हुआ है ताकि ऑफसेट अपने डिफेक्शन स्लैब प्रेस बैरियर के जो स्पेस है उसमें अटैच करके उसका लाइन लेवल डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हम इसको लेके आएंगे। डाउन करो थोड़ा सा। यहाँ पर ही हमारा पिक्चर सिलेक्ट करते हैं उसका पैनल रेस्ट कर गया है। अब हम इसको लाइन डोरी के हिसाब से देख लेंगे कि ये पैनल का किस कौन सा सिरा जो है आगे है और कौन सा सिरा पीछे है, हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा लाइन चला आ रहा है, उस हिसाब से ये पैनल जो है थोड़ा सा अंदर आने का डिमांड कर रहा है, तो उस हिसाब से हम इसको अंदर की साइड में खिसकाएंगे और आप आगे साइड से लाइन देख सकते हैं। इन फ्रिक्शन स्लैब के पैनल्स के बीच में नॉर्मली 5 से 10 mm का हम गैप दे रहे हैं ताकि अगर कुछ टॉलरेंस इसको हिलाने डलाने के लिए अगर चाहिए हो तो वो मिल सके। देख रहे हैं यहाँ पे आप 5 से 10 mm का गैप दिख रहा है इसका लाइन। हमें लाइन इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार आप एक मास्टर पैनल से जब लाइन सेट कर लेते हैं तो सभी लाइन सेट करने में दिक्कत नहीं जाती है। जब हम यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब का पैनल रख लेते हैं तो यहाँ पर जो आप ये सरिया निकला हुआ देख रहे हैं ये यहाँ पर हम एक बीम कास्ट करेंगे जो कि इसके साथ में टाई बार के साथ में अटैच होके एक ओवरऑल रोड में अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर यहाँ तक जो कुशन है 75 mm PQC का इधर बीम लिंक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉपर कैम्बर मैच हो जाएगा और ये जो फ्रिक्शन स्लैब है ये रोड के साथ में अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी ये फ्रिक्शन स्लैब कास्ट करने के बाद में यहाँ पर एक बीम डाल के बाइंडर डाल के इसका एक बीम कास्ट करके PQC करेंगे और इसको PQC जो है वो इस एंगल के ऊपर तक आएगा यहाँ तक ताकि ये एंगल भी दब जाए और इसका अटैचमेंट भी इसके साथ में हो जाए। हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, सभी इंजीनियर दोस्तों को।